वेबिनार में हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष का कार्यकाल कल संपन्न हुआ है। 6 वर्ष के अपने इस कार्यकाल के दौरान देश की आन मान शान की रक्षा के साथ ही इस देश के अंदर राजनीति की धुरी को बदलने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने किया है, जो केवल पहले नारों तक मुद्दे सीमित हुआ करते थे, उन्हें हकीकत में बदलने का कार्य मोदी जी ने किया। गांव को, गरीब को, किसान, नौजवान, महिलाएं ये राजनीति की केंद्र बिंदु बने और अपने शासन के 6 वर्ष के शासन के पहले 5 वर्ष वैश्विक मंच पर भारत की धमक को स्थापित करने, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, गांव के लिए, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबकों के लिए शासन की योजनाओं को पहुंचाने के लिए समर्पित करते हुए एक नए भारत की नींव रखने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 6 वर्ष का यह कार्यकाल भारत के राजनीतिक इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यकाल है, जिसने भारत को एक नई पहचान दिलाई तो भारत के 130 करोड़ लोगों के मन में एक नया विश्वास भी जागृत किया है। मैं इसके लिए इन 6 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को हृदय से बधाई देता हूं। केंद्रीय कैबिनेट से जुड़े हुए जितने भी माननीय मंत्रीगण हैं उन सबको भी हृदय से बधाई देता हूं और देश को दुनिया के सामने एक नई पहचान दिलाने, भारत के जन जन के मन को एक नई उत्साह और ऊर्जा से भरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का और केंद्रीय कैबिनेट के सभी मंत्रियों का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। अगर हम पहले 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान देखें तो अगर गरीबों से जुड़े हुए उन मुद्दों को जो आजादी के बाद से केवल नारों तक सीमित थे, तो सचमुच एक बहुत महत्वपूर्ण पहल इस संबंध में हुई है। और इसमें खास तौर पर अगर आप शुरुआत करेंगे कि आज जब भारत कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और पूरी दुनिया इससे त्रस्त है, उन स्थितियों में हम स्वयं समझ सकते हैं कि आज हम लोग सफलतापूर्वक राहत कार्यों को इसलिए संपन्न करने में हमें मदद मिल रही है क्योंकि इसकी शुरुआत 2014 में ही प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट हर गरीब का खाता खोल करके कर दी थी। डीबीटी के माध्यम से धनराशि का हस्तांतरण हो, इस कार्य की शुरुआत आज से 6 वर्ष पहले जो प्रधानमंत्री जी ने की, आज उसका परिणाम 80 करोड़ लोगों तक प्रधानमंत्री पैकेज का लाभ मिल रहा है। और ये शुरुआत जनधन अकाउंट के माध्यम से हुई थी, जिसमें 36 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए। मैंने स्वयं इस चीज को अनुभव किया है कि इस दौरान हम लोगों ने जनधन अकाउंट धारी 3,56,00,000 महिलाओं के खाते में 5,500 की 3 नई किस्तों को जाते हुए देखा है।
और लॉकडाउन के दौरान उन गरीब महिलाओं को अपने अकाउंट को संचालित करते हुए हम लोगों ने देखा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच का परिणाम है। हम लोग अगर इसी प्रक्रिया को आगे देखेंगे तो स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ हुआ, पहली बार इस देश के अंदर गरीबों के पास भी अपना शौचालय हो। यह केवल शौचालय स्वच्छता का ही प्रतीक नहीं था, बल्कि यह शौचालय नारी गरिमाकार सम्मान का प्रतीक भी बना। 10 करोड़ से अधिक गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य हुआ और उत्तर प्रदेश 2,61,00,000 शौचालय बनाने में देश के अंदर अग्रणी रहा है। इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। शौचालय निर्माण से हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी विषाणुजनित बीमारियाँ थी, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू और अन्य बीमारियों को भी हमें नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई। यानी नारी गरिमा का भी सम्मान हुआ, उसकी भी रक्षा हुई, लेकिन साथ साथ बीमारियों को भी नियंत्रित करने में इसके माध्यम से हमें सफलता प्राप्त हुई। और इंसेफ्लाइटिस के ही अगर मैं आंकड़े दूं, तो 56 से 60% बीमारी पे नियंत्रण करने और 90% तक मौत के आंकड़ों को रोकने में हमें सफलता प्राप्त हुई है स्वच्छ भारत मिशन के कारण, जो शौचालय गांव-गांव में बने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, कोरोना संकट में हम सब जान रहे हैं सर्वाधिक माइग्रेंट लेबर उत्तर प्रदेश में आई है और सर्वाधिक माइग्रेंट लेबर लगभग 30,00,000 से अधिक अब तक प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आया है। ये प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आया था, सभी लोग इस बात को मानते थे कि इनके कारण अव्यवस्था फैल सकती है, लेकिन मेरा मानना था कि हमारी ताकत है। और आज उसका परिणाम है कि हर गरीब को आवास देने का जो लक्ष्य रखा था, पूरे देश के अंदर 2 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध करवाना और उत्तर प्रदेश के अंदर भी 30,00,000 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक आवास उपलब्ध हुए, यह एक बड़ा कार्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हुआ। उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ से अधिक परिवारों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए गए और उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 1,47,00,000 परिवारों को इसका लाभ प्राप्त हुआ। यानी ये योजना अपने आप में वे थी जिन गरीबों को कभी जिन सपने में भी जिन्होंने नहीं सोचा था कि उनके पास रसोई गैस का कनेक्शन होगा, उनके पास उज्ज्वला योजना का, उनके पास अपना मकान होगा, उनके पास अपना शौचालय होगा, या विद्युत कनेक्शन में भी अगर आप देखेंगे तो 1,24,00,000 से अधिक परिवारों को उत्तर प्रदेश के अंदर विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन मिले। यानी इसके लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ा। यह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी की विकास की सोच का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को भी इसका लाभ प्राप्त हुआ और इन कार्यक्रमों को हम लोगों ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा का कवर देना, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। जो लोग बचे थे उसे हमने उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से कवर करने का कार्य किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,34,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर वर्ष 6,000 रुपये की व्यवस्था देने की व्यवस्था करना, जो सफलतापूर्वक जा रहा है। और कोरोना संकट के दौरान भी उन सभी के अकाउंट में 2,000-2,000 रुपये प्रति माह देने की कार्रवाई सफलतापूर्वक वर्तमान में चल रही है। पहली बार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का दाम मिला और ये देश के अंदर किसानों को प्राप्त हुआ। अनेक ऐसी योजनाएं युवाओं के लिए, चाहे वह प्रधानमंत्री मुद्रा की योजना हो, प्रधानमंत्री स्टैंडअप और प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना हो, चाहे वह मेक इन इंडिया की योजना हो,
ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जिन्होंने युवाओं को एक नया रास्ता दिखाया। तो उत्तर प्रदेश इस बात के लिए भी गौरवान्वित होता है कि माँ गंगा जब गंगोत्री से निकलती है तो गंगा सागर तक की अपनी 2500 किलोमीटर की इस दूरी में सर्वाधिक 1025 किलोमीटर की दूरी उत्तर प्रदेश के अंदर तय करती है। नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से अविरल गंगा, निर्मल गंगा के सपने को साकार करने का कार्य भी हुआ। जब हम लोगों ने देखा कि जो ऐसा पॉइंट था कि जिसके बारे में लोगों को एक सपना था कि क्या कानपुर में गंगा स्वच्छ हो पाएगी, लेकिन आज जिस कानपुर में 2 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गिरता था, आज उस कानपुर में एक भी बूंद नहीं गिर रहा है सीवर गंगा जी में। गंगा की निर्मलता और स्वच्छता का प्रतीक कानपुर बना, प्रयागराज बना, काशी बना और उत्तर प्रदेश के सभी तीर्थ स्थल बने। नमामि गंगे की परियोजना युद्ध स्तर पर चल रही है। ये सारे कार्यक्रम पहले वर्ष के पहले अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में सफलतापूर्वक करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने द्वितीय कार्यकाल की शुरुआत करते समय इस बात को स्पष्ट कहा था कि देश की आकांक्षाओं की पूर्ति का यह कार्यकाल होगा। और देश की आकांक्षाओं की पूर्ति का यह कार्यकाल आज हम देख सकते हैं कि 1 वर्ष के अंदर हर घर नल की योजना मूर्त रूप लेती हुई जा रही है। यानी हम सब मानते हैं अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है तो उसके लिए शुद्ध पेयजल उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति उसके लिए है तो व्यक्ति आधी से अधिक बीमारियों से मुक्त हो सकता है। और यह कार्य, बड़ा कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने हाथों में दूसरे कार्यकाल के दौरान लिया। जल जीवन मिशन युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है, राज्यों को इसके लिए धनराशि आवंटित हो रही है, कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना के माध्यम से इस कार्य को और तेज करना, देश के अंदर अन्य तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही आज के दिन पर जो सबसे बड़े कार्य अन्य जो प्रारंभ हुए हैं, ये नारी गरिमा के ही प्रतीक आप देख सकते हैं कि सदियों से एक कुप्रथा नारी गरिमा पे कलंक के प्रतीक के रूप में थी, वो 3 तलाक की कुप्रथा थी। 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए प्रतिबंधित करना, देश के अंदर राष्ट्रीय संप्रभुता की प्रतीक जो लगातार राष्ट्रीय संप्रभुता को चुनौती दे रही थी और आतंकवाद की प्रतीक बनी हुई थी कश्मीर की धारा 370, उसको समाप्त करने का निर्णय लेना, यानी आजादी के बाद जो एक ऐतिहासिक गलती किसी एक सरकार ने की थी उसका परिमार्जन करने के साथ ही देश की संप्रभुता को क्षुण्य बनाए रखने के लिए कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने की कार्रवाई करने और उसको आगे बढ़ाने के साथ ही अब यह भी व्यवस्था देना कि 15 वर्षों से जो लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं उनको वहां की नागरिकता ये लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐतिहासिक दिन भारत की अखंडता के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और ये कार्य इसके माध्यम से किया गया। नागरिकता संशोधन पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदू समेत वहां के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जिनका शोषण हुआ है, जिनकी प्रताड़ना हुई है, इन सभी लोगों को वहां की भारत की नागरिकता मिल जाए, वर्षों से चली आ रही इस मांग को पूरा करने का कार्य हो रहा हो या फिर 500 वर्षों से भारत की आस्था के प्रतीक श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने में एक सकारात्मक भूमिका के साथ आगे आने की कार्रवाई रही हो, ये सभी कार्यक्रम दूसरे कार्यकाल के दौरान सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का रहा है तो आतंकवाद के प्रति, नक्सलवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कैसे सरकार को कार्य करना है, देश में औद्योगिक वातावरण बने और नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हों, इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य विगत 1 वर्ष के दौरान जिस सफलतापूर्वक और जिस
दृढ़ता के साथ, जिस सकारात्मक सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने कार्य करके दिखाया है, वह अद्भुत है, बेमिसाल है, देश और दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा है। और मैं इस सब के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। संकट में कैसे देश का नेतृत्व होना चाहिए, ये प्रतीक अगर हमें देखना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा समयबद्ध ढंग से, दूरदर्शितापूर्ण तरीके से ले गए निर्णय का परिणाम है कि कोरोना संकट, भारत जैसे 135 करोड़ की आबादी के देश में अगर आप संक्रमित रोगियों की संख्या और मौत के आंकड़ों की तुलना दुनिया के तमाम विकसित देशों से करेंगे तो भारत अपने को एक सेफ जोन में पाता है। सावधानी आवश्यक है, लॉकडाउन उसके लिए आवश्यक था। और फिर जब लोगों की आदत का हिस्सा और लोग उसे अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं तो उसी क्रम में छूट भी एक एक करके अलग अलग स्टेजेस में देने की कार्रवाई जिस रूप में हुई, और इस दौरान लोगों के सामने परेशानी आई होंगी, इसके लिए पहले 1,01,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज देना, गरीब कल्याण पैकेज के रूप में इसकी घोषणा होना, और फिर 2,00,00,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के माध्यम से समाज के अलग अलग तबके के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, पटरी व्यवसायियों के लिए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के लिए और अन्य तमाम कार्यों के लिए, प्रवासी कामगार और श्रमिकों की आवासीय व्यवस्था, उनकी सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं की स्ट्रेंथनिंग के लिए, ये सभी कार्य जिस व्यवस्था के तहत व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेशन के लिए, ये अलग अलग कार्यक्रम जिस रूप में हुए हैं, ये सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता, उनके समयबद्ध ढंग से ले गए सकारात्मक सोच का परिणाम है। एक वर्ष के द्वितीय कार्यकाल के प्रथम वर्ष की पूर्णता पर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को और केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से अभिनंदन करता हूं। एक सफलतम नेतृत्व और सकारात्मक सोच के माध्यम से भारत को जो यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, मैं इसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश इस मामले में इसलिए भी गौरवान्वित है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से नेतृत्व देते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक विकास के कार्यों के साथ साथ उनका बहुत सकारात्मक सहयोग और मार्गदर्शन हमें सदैव प्राप्त होता है। उनका मार्गदर्शन हम सबका पाते हैं और उनके मार्गदर्शन के कारण ही हम लोग बड़ी से बड़ी चुनौतियों की बहुत सहजता सरलता से सामना करने में हमें सफलता प्राप्त होती है। मैं आज की इस अवसर पर फिर से केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी के 6 वर्ष के सफलतम कार्यकाल और द्वितीय कार्यकाल के प्रथम वर्ष की सफलतापूर्वक जिस कार्यकाल को कल संपन्न किया है, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को हृदय से बधाई देता हूं, पूरे कैबिनेट का हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि उनका तेजस्वी और यशस्वी नेतृत्व भारत को दुनिया की एक महाशक्ति बनाने में निश्चित ही एक निर्णायक भूमिका की ओर, निर्णायक नेतृत्व के रूप में आगे बढ़ाएगा। मैं इस अवसर पर आप सभी मित्रों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने कोरोना संकट के समय एक सकारात्मक भूमिका के साथ चुनौतियों से जूझते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए भी प्रदेश के 23 करोड़ लोगों के हित में एक एक सकारात्मक रिपोर्टिंग हम लोगों के सामने भी और समाज के सामने लाने में सफलता प्राप्त की है। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम लोग प्रदेश में वर्तमान के इस संकट से प्रदेश को उभारने में हम लोग सफल होंगे और निश्चित ही यह देश के लिए एक निर्णायक एक लड़ाई साबित होगी और एक नए भारत के रूप में हम लोग एक नए उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे। कामना जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए।
कामना जी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें मौजूदा वक्त में सरकार की कोशिशों से लेकर के उत्तर प्रदेश में किस तौर पर प्रयास चल रहे हैं, लोगों ने किस तौर पर जद्दोजहद किया है और साथ में 6 वर्षों के मोदी सरकार के कार्यकाल को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, जिसमें कोरोना काल में सरकार की तैयारियां क्या रहीं, सरकार की कोशिशें क्या हैं, सरकार के प्रयास क्या हैं और सरकार की रणनीति किन किन चीज़ों को ध्यान में रख कर के बनती हैं और उसका नतीजा पूर्ण रूप से कैसे आया, उसके लिए सरकार किस तौर पर जद्दोजहद करती है, साथ ही साथ में श्रमिकों से लेकर के गरीबों और किसानों के लिए सरकार ने क्या क्या किया है, सरकार की प्राथमिकता में वो किस तौर पर हैं और उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने, उसे आसान करने के लिए कल्याण पैकेज का लाभ भी हर एक राज्य को समान रूप से मिला है और उत्तर प्रदेश पीएम पैकेज से भी और गरीब कल्याण पैकेज से भी संतुष्ट है, क्योंकि इसका लाभ अधिकतम हमें प्राप्त हुआ है और उसी पैकेज का परिणाम है कि हम सफलतापूर्वक अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। अब तक हम लोग 1555 से अधिक ट्रेन के माध्यम, श्रमिक स्पेशल के माध्यम से प्रदेश के अंदर सर्वाधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सकुशल वापसी करने में और उन्हें सम्मानजनक रूप से होम क्वारंटाइन या क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचाने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई है और उनके लिए नई नई योजनाओं को बनाने में भी हमें इसी के माध्यम से सफलता प्राप्त हुई है। हमारा जी वीरेंद्र सिंह रावत है इकोनॉमिक टाइम्स से। वीरेंद्र जी जी, मुख्यमंत्री जी। हाँ जी सर, मैं बस ये जानना चाहता था कि जैसे ये कोरोना वायरस है और ये जो इकोनॉमिक गतिविधियां जो है सब सारे स्टेट के जो है इससे प्रभावित थी, तो टैक्स कलेक्शन भी यूपी का और सारे स्टेट का रहा, तो अभी कुछ जो है कुछ चीजों में टैक्स थोड़ा सा बढ़ा, तो अभी आगे जाके किस तरह से चुनौती को देखेंगे और क्या इसमें कोई कोविड का या कोई स्ट्रेस लगाने का कोई ऐसा जो प्रबोधन है सर? देखिए, इस समय आप देख रहे होंगे कि 4 स्टेजेस में लॉकडाउन की कार्रवाई के बाद कल से जो कार्रवाई होगी वह अनलॉक की प्रारंभ होने जा रही है। कंटेनमेंट जोन को नियंत्रित करते हुए वहाँ के जो हमारी डोर स्टेप डिलीवरी है, मेडिकल स्क्रीनिंग की है, वहाँ पर जो भी आवश्यक सेवाओं को छोड़ दिया जाए, उन सेवाओं को के अलावा बाकी अन्य चीज़ें वहीं पे प्रतिबंधित रहेंगी। शेष अन्य चीज़ों को, अधिकतम कार्यों को फ्रीडम देने की कार्रवाई होनी जा रही है। कल जो एडवाइजरी भारत सरकार से जारी हुई उसके माध्यम से ये है, हम लोगों की आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो रही हैं तेजी के साथ, वो आगे बढ़ रही हैं और विगत माह की तुलना में इस माह हमारा रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा सामने आ रहा है। कोई भी अलग से टैक्स लगाने का हमारा प्रावधान नहीं, जनता को अधिक से अधिक रियायत कैसे दी जा सकती है इस पर हमने फोकस किया है। औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, 2 गज दूरी का पालन करते हुए कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको हम लोग इस समय फोकस कर रहे हैं और इसी के लिए आज 2 बजे के बाद हमारी प्रदेश की गाइडलाइन प्रदेश के अंदर जारी होने जा रही है। शिल्पी से, शिल्पी जी आप अपना सवाल पूछिए। देखिए, हमारे यहाँ अधिकतर योजनाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, एक्सप्रेसवेज के कार्यक्रम हमारे प्रारंभ हो चुके हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कार्य हमारे प्रारंभ हो चुके हैं, मेडिकल कॉलेजेज के कार्य जो हमारे प्रदेश में 29 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज बन रहे हैं, इन सब के कार्य हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं, हाईवे के कार्य हमारे प्रारंभ हो चुके हैं,
और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे लगभग सभी प्रारंभ हो चुके हैं, तो आर्थिक गतिविधियों को भी हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और हमारा प्रयास है कि जान भी और जहान भी दोनों को साथ लेकर के चलेंगे, और इसी बात को लेकर के कंटेनमेंट जोन में ही जो सख्ती होगी उसी को लेकर के हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो अभी तक सायंकाल 7 बजे से सुबह 7 बजे तक का रात्रिकालीन कर्फ्यू था, इसमें भी काफ़ी ढील देने की व्यवस्था की जा रही है, और भी अन्य तमाम चीज़ें जो अभी गाइडलाइन 2 बजे के बाद जारी होगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी गतिविधियां प्रारंभ होंगी जो आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ प्रत्येक नागरिक को भी अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग इस बारे में ज़रूर ध्यान देंगे कि हर हाल में कोरोना की चेन को तोड़ने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को हम आगे बढ़ा सकें। कामना हजेला है एएनआई से। कामना जी, आप अपना सवाल पूछें। कामना जी, अनामिका है हमारा जी। अनामिका जी, आप अपना सवाल पूछिए। देखिए, मास गैदरिंग हर हाल में रोकना, एक दूसरा धर्मस्थलों को और उन सार्वजनिक स्थलों को जहाँ पे भीड़ भाड़ हो सकती है, अभी 8 जून के बाद से ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अभी पहले चरण में जब हम लोग अनलॉक की पहली कार्रवाई को प्रारंभ करने जा रहे हैं तो पहले सप्ताह में हम फेज वाइज सभी कार्रवाई को आगे ले रहे हैं, और कल की जो एडवाइजरी भारत सरकार ने जारी की है उसमें धर्मस्थलों को 8 जून के बाद ही ये व्यवस्था दी गई है। लेकिन कोई भी सामाजिक कार्यक्रम नहीं होंगे बड़े, या मास गैदरिंग कहीं भी नहीं होगी, शादी ब्याह के लिए या कहीं पर किसी अंतिम संस्कार के कार्यक्रम के लिए या किसी भी सामाजिक और मांगलिक कार्यक्रम के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, उसका पालन अनिवार्य होगा और उसके तहत ही इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि छूट इस आधार पर दी जा रही है कि अधिक से अधिक लोगों को हम लोग इसके प्रति जागरूक भी कर सकें, और जागरूकता इसमें बहुत महत्वपूर्ण होगी, बचाव महत्वपूर्ण होगा, और उस बचाव को आगे करते हुए ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि हर व्यक्ति अब इसके लिए तैयार हो चुका है, पहले स्वयं बचना और दूसरों को इससे बचने के लिए प्रेरित करना, यही मंत्र कोरोना के साथ प्रत्येक नागरिक को जीने की आदत डाल पाएगा। दूसरा, 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को, बीमारियों से ग्रसित लोगों को, गर्भवती महिलाओं को, 10 साल से नीचे के बच्चों को या कमजोर लोगों को अभी भी बाहर निकलने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों के लिए कोरोना ज़्यादा खतरनाक है, और इसलिए इन चीज़ों पर विशेष सावधानी बरतने के लिए जो गाइडलाइन जारी हो रही है, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके जारी हो रही है। विजय उपाध्याय जी हैं दैनिक भास्कर।
देखिए, टूरिज्म हमारा एक बहुत बड़ा माध्यम है प्रदेश की रोजगार और अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। और आप सब जानते हैं कि प्रयागराज कुंभ के माध्यम से तो हम लोगों ने इसको एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। कोरोना संकट के दौरान इसको थोड़ा इस पे रोक लगी है, लेकिन ये गतिविधियां फिर से धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगी। लेकिन अभी कुछ समय के लिए हमें इस बात के लिए तैयार होना होगा कि मास गैदरिंग को हर हाल में रोकना पड़ेगा। सार्वजनिक स्थलों पर, धर्मस्थलों पर, किसी भी सामाजिक और मांगलिक कार्यक्रमों में या किसी भी प्रकार के उन कार्यक्रमों में अगर ये चीज़ें हम लोग नियंत्रित करके चलते हैं तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर हम लोग कोरोना को परास्त करेंगे। उत्तर प्रदेश अब तक बहुत अच्छी स्थिति में है और मेरा ये मानना है कि जो ट्रेंड अभी तक है, अगर एक बार सभी लोग इसके साथ जुड़ करके जिस रूप में टीम वर्क के रूप में काम कर रहे हैं, आगे भी हम लोग इसको नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। प्रेम मिश्रा है एनबीटी से। प्रेम जी अपना सवाल पूछें। मुख्यमंत्री जी नमस्कार, मैं प्रेम हूँ। मेरा प्रश्न यह था कि आपने कहा कि जो प्रवासी बड़े पैमाने पे आ रहे हैं, लोगों के मन में यह था कि इनके आने से अराजकता होगी, लेकिन आपने इन्हें अपनी ताकत और संपदा बताई। उनके रोजगार के लिए व्यापक स्तर पर सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उनके पुनर्वास की क्या कार्ययोजना होगी? और दूसरा, उत्तर प्रदेश में पहले से ही श्रम शक्ति मौजूद है, तो उन दोनों के बीच में समायोजन करते हुए क्या व्यापक कार्ययोजना बनेगी? देखिए, बहुत बड़ी ताकत। देखिए, आज भी हमारे पास, हम लोगों ने हर एक उद्योग की मैपिंग प्रारंभ की है और बड़ी संख्या में हमें मैन पावर की आवश्यकता उद्योगों में है। दूसरा, जो पैकेज, पीएम पैकेज एमएसएमई के लिए घोषित हुआ है, इसकी तैयारी हमारी पहले से एमएसएमई सेक्टर में चल रही थी। व्यापक संभावनाएं इसमें भी हमारे पास रोजगार की हैं और देश का सबसे बड़ा एमएसएमई सेक्टर उत्तर प्रदेश के पास, हमारे पास यहाँ मौजूद है। तो पीएम पैकेज का लाभ देने की व्यवस्था इसके माध्यम से, मैंने आपको जो पहले बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना 30 लाख से अधिक हमारे यहाँ पहले से ही बन करके तैयार है, लेकिन हम लोगों ने अभी प्रवासी जो कामगार और श्रमिकों के बारे में, छात्रों के बारे में और अन्य लोगों के बारे में भी जो एक कार्य योजना आगे बन रही है, उनके अगर वे शहर में आते हैं तो उनके पुणे फुटपाथ पर या कहीं रेन बसेरा में शरण न लेनी पड़े, बल्कि उनके व्यवस्थित आवासीय सुविधा उन्हें प्राप्त हो सके, इसके लिए भी एक विस्तृत कार्य योजना हम लोगों ने तैयार की है। वह शासकीय स्तर पर भी, स्थानीय नगर निकायों के स्तर पर भी और निजी जो इस क्षेत्र में जो कार्य करने वाले, जो विनिर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाली इकाइयाँ हैं, इन सबको भी प्रोत्साहित करके हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में कार्य की भी कमी नहीं है, लेकिन साथ साथ जहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी तो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी अपने हर कामगार और श्रमिक को देने जा रहे हैं। इसी के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अपना एक कामगार श्रमिक कल्याण आयोग के गठन की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया है और हम इसके लिए अपने जनपद स्तर की सेवायोजन कार्यालय को और एक्टिवेट करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से प्रत्येक की स्किल मैपिंग के साथ साथ इस कार्रवाई को भी हम आगे बढ़ाएंगे और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। पीएम पैकेज से इससे हमें काफी लाभ मिला है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। रतीश त्रिवेदी जी, रतीश जी आप अपना सवाल पूछें। मुख्यमंत्री जी नमस्कार, मैं रतीश त्रिवेदी, न्यूज स्टेट से। मुख्यमंत्री जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने और आपकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है कोरोना संक्रमण काल में। आपके यहाँ से कहा गया, लगातार कहा गया कि मई में 1 लाख कोविड हॉस्पिटल बेड की व्यवस्था कर दी जाएगी, 50 टेस्टिंग से 10,000 टेस्टिंग आज पहुंच गई है। विपक्ष की भी बात अगर कर लें इसमें, तो वो लगातार आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि जो आंकड़े आपकी तरफ से दिए जाते हैं वो आंकड़ों की दरअसल बाजीगरी है। और दूसरा, लॉकडाउन उल्लंघन के नाम पर विपक्ष के नेताओं को बंद किया गया है, उनको समाज सेवा करने का निर्णय। देखिए, मुझे बताते हुए प्रसन्नता और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारे इन आंकड़ों को देखा है। आज हमारे प्रदेश में
लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री के कोविड हॉस्पिटल में 101,000 बेड उपलब्ध हो चुके हैं और आज ही ये चीज़ें हम लोगों ने तैयार करने में हमें सफलता प्राप्त हो गई है। यानी पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य के पास ये सर्वाधिक संख्या है, उत्तर प्रदेश ने इसमें सफलता प्राप्त की है। साथ साथ 10,000 टेस्टिंग की क्षमता आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन की हो चुकी है, ये दो हमारी उपलब्धि है। 15 जून तक हमने टेस्टिंग की क्षमता को 15,000 करने, इसके बाद 30 जून तक 20,000 तक प्रतिदिन करने की व्यवस्था की है। अब तक हमारे पास आज की डेट पर हम लोग 2,72,000 टेस्ट संपन्न कर चुके हैं। आप अनुमान कर लीजिए कि जहां पे हमारे पास जब कोविड का पहला केस उत्तर प्रदेश में आया था तब हमारे पास 50 टेस्ट प्रतिदिन की क्षमता थी, आज हम 10,000 टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। और ये आंकड़े की बाजीगरी नहीं, जो कार्य हो रहा है और जो सेवाएं मिल रही हैं ये जनता उसको महसूस कर रही है। भगवान करे कि किसी विपक्ष के नेता को कोविड हॉस्पिटल न जाना पड़े, अन्यथा आंखों से वे इस चीज़ों को देखते और सही सेवा करते तो इस प्रकार का प्रश्न और इस प्रकार की टिप्पणी इस समय नहीं करते। हम लोग आगे भी इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने शुरू से इस बारे में कहा था, ये संकट किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, मजहब या पार्टी का नहीं है, ये वैश्विक संकट है और वैश्विक संकट का सामना सबको मिलकर करना चाहिए और सभी लोग मिलकर के अगर इसका सामना करते अच्छा होता। लेकिन आपने देखा होगा नकारात्मक राजनीति इस हद तक, जो लोग ट्विटर पर बहुत बड़ी टिप्पणियां करते हैं, एक फूटी कौड़ी यानी एक पैकेट भी भोजन का उन्होंने किसी गरीब को इस दौरान नहीं दिया है, उनकी असलियत देख सकते हैं। और जिन लोगों ने कोटा से बच्चों को वापस लाने में राज्य सरकार से तेल भी मांगा और किराया भी मांगा, वे हमें बस की सूची देते हैं। जब हमने बस मांगने के लिए उनकी सहमति, उनकी द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकार किया तो वे आंकड़े इतने फर्जी निकले कि अगर हम उसमें सहमति देते तो बच्चों के जीवन के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ हो रहा था। आप एक डिजास्टर के खिलाफ लड़ाई के समय में इस प्रकार का फर्जी कार्य कर रहे हैं और जनता की और छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये अक्षम्य अपराध है और इस प्रकार की कारगुजारी, इस प्रकार का फर्जीवाड़ा कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के साथ मिलकर के प्रत्येक नागरिक को न केवल सम्मान और सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है बल्कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा भी दे रही है और आगे भी हम ये क्रम हमारा ये निरंतर आगे भी चलता रहेगा। रणवीर है एबीसी। दो क्वेश्चन और लेंगे, लास्ट होगा इसके बाद। रणवीर जी आप अपना सवाल पूछें। जी मुख्यमंत्री जी नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि कल के सेंटर की गाइडलाइन में एक कहा गया था। हाँ जी, जिस तरीके से दिल्ली आसपास के राज्यों में केसेस आ रहे हैं, क्या हम तैयार हैं इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है और हम लोगों को भारत सरकार की गाइडलाइन को हम यहाँ पे पालन कर रहे हैं, हम लोगों ने इस बात को व्यवस्था बना दी है। एनसीआर में, गौतम बुद्ध नगर में और गाजियाबाद में उस गाइडलाइन के अनुरूप जिलाधिकारी वहाँ पर कंटेनमेंट जोन और आवागमन की व्यवस्था को देखेंगे। इंटर स्टेट के लिए दो राज्यों की सहमति आवश्यक होगी, दोनों राज्य जब आपस में चलेंगे तो सहमत होंगे, ये व्यवस्थाएँ संभव हो पाएंगी। फिलहाल मेट्रो की व्यवस्था अभी चलनी नहीं है, ट्रेन का आवागमन फ्रिक्वेंट होगा, घरेलू जो उड़ानें हैं ये भी प्रारंभ हो चुकी हैं, कोई इसमें संदेह नहीं है। लेकिन बाकी अन्य गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए, जैसे इंट्रा स्टेट जो हमारी बस सेवा है, टैक्सी सेवा है, इसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कोई निजी साधन से एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है तो उसमें प्रतिबंध नहीं, बसरते वह लोक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक न हो, और इस चीज़ को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा। खासतौर पर गाजियाबाद और नोएडा में लोकल स्तर पर लोक स्वास्थ्य के लिए क्या उचित हो सकता है इसके लिए स्थानीय स्तर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा। राघवेंद्र पांडे है एएनआई से। राघवेंद्र जी आप अपना सवाल पूछें। मीटिंग लिया है, एक तरीका तो तीन मीटिंग अधिकारियों के साथ और संबंधित मंत्रियों के साथ लिया है,
होते हैं और ये आसान काम नहीं होता है, प्रतिदिन अपने चीजों को दूर करते हुए जनता की लगाना। सवाल यह है कि कोरोना संकट क्या तात्पुर में फैलता है और बहुत सारे उद्योग या कंपनियां कितने भारत की ओर कर रही है और इधर ही आकर सुनित देख रही है, उसमें उत्तर प्रदेश किस तरह से तैयार है किस दिक्कती काल को हुए अपने तौर पर बदल ली, क्योंकि भारी संख्या हमारे पास कमी है, हमारे पास एक पकड़ है और उस धन का हम उपयोग देखिए, मैं आभारी हूं आपके प्रति इन सब प्रश्नों के लिए। उत्तर प्रदेश इसके लिए पूरी तरह तैयार है और आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के अंदर अलग अलग चरणों में हम लोगों ने अलग अलग उद्योगों को भी चलाया है। जैसे चीनी मिलें हमारे पूरे लॉकडाउन के दौरान चली हैं, ईंट के भट्टे पूरे लॉकडाउन के दौरान चले हैं, हमारे प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज 2500 से अधिक हैं सभी चले हैं, लगभग 25 लाख श्रमिक इन तीन प्रकार के उद्योगों में प्रदेश के अंदर पहले से कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने लॉकडाउन के अलग अलग चरण में जब छूट मिलती रही तो अब तक हम लोग अगर एमएसएमई सेक्टर को देखें तो एमएसएमई सेक्टर में हमने 27 लाख से अधिक लोगों को फिर से काम उपलब्ध कराया है, ये उद्योग हमारे प्रारंभ हो चुके हैं और इस पे कार्रवाई हमारी आगे बढ़ चुकी है। साथ साथ बड़े उद्योग भी हमारे प्रारंभ हो चुके हैं जिसमें लगभग 65,000 से अधिक लोग इसमें भी इन्होंने प्रारंभ कर दिया है। और जहां तक नए निवेश की बात है तो ये प्रस्ताव हमें प्रारंभ हो चुके हैं, हमारी टीम बन चुकी है, मंत्री समूह गठित हो चुके हैं, उनके नेतृत्व में अलग अलग टीम अलग अलग प्रकार के और अलग अलग प्रकार के निवेश को आमंत्रित करने के लिए स्तर पर कार्य कर रहा है। हम लोगों ने यूएस के, जापान के और साउथ कोरिया का भी डेस्क स्थापित कर लिया है और लगातार उनके साथ संवाद बनाते हुए जहां से भी निवेश आ सकता उस निवेश को उत्तर प्रदेश के अंदर करवाने, उसी के अनुरूप अपनी पॉलिसी तैयार करने, पॉलिसी के दायरे में हर एक व्यक्ति को समान अवसर देने की व्यवस्था प्रदेश में की है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश में हर हाथ को हम कार्य देंगे, हर घर में रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने में हम लोग सफल होंगे। हरेंद्र चौधरी हैं आरलाई से। हरेंद्र जी, आपने सवाल पूछे आप। जी मुख्यमंत्री जी, हालांकि हम सभी ने आपके जो प्रयास है, जो अथक प्रयास है, जुर्माने का प्रावधान किया गया है, कल से अनलॉक वन की शुरुआत हो रही है, तो आपको नहीं लगता है कि इसको और ज्यादा कारगर करने के लिए नई रणनीति की जरूरत है? देखिए, आपने सही बात कही, पिछले 12-15 दिन से अचानक आंकड़े बढ़े हैं और ये आंकड़े एक तो टेस्टिंग की क्षमता वृद्धि होने के साथ ही आंकड़े भी उसी प्रकार से वृद्धि हुई है, लेकिन इसको रोकने के लिए हमने लगभग 1 लाख के आसपास मेडिकल स्क्रीनिंग की टीम भी हमारी लगी हुई है हर एक जनपद में। गांव स्तर पर यह कार्य बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये कार्य जहां बहुत अच्छे ढंग से हमारा आगे बढ़ रहा है, वहीं साथ ही साथ निगरानी समिति भी होम क्वारंटाइन में रखकर कोई भी प्रवासी, 30 लाख के आसपास प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आया है, इन्हें होम पहले क्वारंटाइन सेंटर ले जाना, क्वारंटाइन सेंटर से फिर इन्हें स्क्रीनिंग करके इन्हें होम क्वारंटाइन तक पहुँचाने की कार्रवाई करना, होम क्वारंटाइन के बाद फिर इन्हें सफलतापूर्वक वहाँ पे एक एक व्यक्ति की मेडिकल स्क्रीनिंग करना, उन्हें वहाँ पर राशन किट उपलब्ध कराना, फिर राशन की उपलब्धता, फिर उन्हें भरण पोषण की भत्ता उपलब्ध कराने की कार्रवाई करना, ये सभी कार्य एक साथ चल रहे हैं, लेकिन इसमें सावधानी आवश्यक है हर एक स्तर पर। कहीं भी हमें कोरोना की चेन को बढ़ने नहीं देना है, हर एक स्तर पर उसको तोड़ना है और इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसीलिए हमने टेस्टिंग की क्षमता को भी बढ़ाया है, मेडिकल टीम को भी सक्रिय किया है और बहुत अच्छे ढंग से इस सारी व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा रहे हैं।
जिसके कारण हम 23 करोड़ लोगों को एक सुरक्षित माहौल देने में और स्वस्थ माहौल देने में अब तक काफी हद तक सफल हैं और आगे भी हम सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बिजनेस स्टैंडर्ड सिद्धार्थ कन्हस, सिद्धार्थ जी अपना सवाल पूछें। जी मैं जानना चाहता था कि क्या एमएसएमई सेक्टर को जिनको आपने जो वर्तमान में कर्मचारी हैं उनको अभी वेतन देने में जो काफी संकट आ रहा है क्या सरकार उनकी भी मदद करेगी उनके सामने कोई आर्थिक संकट ना आए क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नौकरियां एमएसएमई सेक्टर ही देता है और सरकार की योजना में भी है कि हर एमएसएमई सेक्टर कम से कम अगर एक लोगों को भी रोजगार दे देगा तो 70 लाख के करीब रोजगार उत्तर प्रदेश में। जी हाँ जी हाँ, बहुत आपका जो है व्यावहारिक प्रश्न है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने लॉकडाउन और बंदी के दौरान भी प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 94% उद्यम में मानदेय और वेतन दिलवाने का व्यवस्था किया कामगार और श्रमिकों को। 1700 करोड़ रुपए इस दृष्टि उद्योगों ने उपलब्ध करवाए हैं कामगार और श्रमिकों को लॉकडाउन के दौरान भी। ये उनका नैतिक दायित्व भी था और उनकी सदा सहायता भी थी। हम लोगों ने अपील भी की थी और वे लोग लगातार इस कार्यक्रम को वहाँ पर संपन्न किए हैं और ये कार्य वहाँ पर संपन्न हुआ है। जहाँ पर लोगों के पास व्यवस्था नहीं थी, कोई दिक्कत थी, हम लोगों ने वहाँ पर खाद्यान्न या फिर फूड पैकेट उपलब्ध कराने में योगदान किया। तो ये सारे लगातार चल रहे हैं और अब तो सभी एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए हों, बड़े उद्योग हों, ये सभी अब चालू हो चुके हैं, प्रारंभ हो चुके हैं, इसलिए अब कोई बहुत समस्या नहीं आने वाली है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा पैकेज इन सभी को प्राप्त हो जाए जिससे ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ सके और हम लोग जान भी जहान भी दोनों को एक साथ लेकर के चल सकें। कंटेनमेंट जोन बनाने का दायित्व तो इसीलिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग देने जा रहे हैं और साथ साथ इन चीजों को कहां पे क्या व्यवहारिक हो सकता है उसको व्यवहारिक रूप में आगे बढ़ाने की कार्रवाई भी की जा रही है। लास्ट सवाल है अतुल अग्रवाल हिंदी खबर से। अतुल जी अपना सवाल पूछें। माला जी मैं प्रणाम करता हूं आपको, मैं हिंदी खबर का संपादक हूं और सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं क्योंकि मन की बात में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपके श्रमिक आयोग का जिक्र किया। आप लगातार कोरोना से लड़ने में जी जान से जुटे हुए हैं, 30 लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की दिशा में काम कर रहे हैं, 11.5 लाख श्रमिकों को आपने रोजगार की गारंटी दे दी है, एमओयू साइन कर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा जो मूल सवाल है वो ये कि 21-22 फरवरी 2018 को इन्वेस्टर्स समिट में 4,89,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए थे, उसमें कितने कारखाने, कितने उद्योग धंधे लगे, कितने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार और नौकरियों का सृजन हुआ, सर ये आपके देखिए हम लोगों ने जब 21-22 फरवरी 2018 को इन्वेस्टर समिट किया था तो इस इन्वेस्टर समिट के साथ ही हम लोगों ने 6 महीने के अंदर पहला ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी कर दिया था। 65,000 करोड़ रुपए की निवेश योजनाएं धरातल पर उतरी थी। द्वितीय अगले एक वर्ष के अंदर हम लोगों ने दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया था जिसमें हमारे पास 62,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को हमने वास्तविक धरातल पर उतारा और लगातार अलग अलग समय पे ये कार्यक्रम हमारे आगे बढ़ते रहे। 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को वास्तविक धरातल पर उतारने में मदद मिली हम लोगों को इन सभी योजनाओं के माध्यम से और अभी भी उस पर लगातार कार्य चल रहा है। अन्य जो ग्राउंड ब्रेकिंग में यानी जो लोग हमारे इन्वेस्टर समिट में नहीं आ पाए थे उसके बाद भी हम लोगों ने अलग अलग समय में अलग अलग निवेश किए थे और इन सभी को अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 वर्ष में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हम किए हैं और 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश ये उन स्थितियों में है जब हमारे पास 4,28,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए थे, उनमें से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतार करके और उसमें से बहुत सारी इकाइयों ने तो प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। तो ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के पास पहली बार इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई। एक कोई भी उद्योगपति या उद्यमी ये नहीं कह सकता या निवेशक ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ भेदभाव हुआ, क्योंकि हमने एक पॉलिसी बनाई थी। आप पॉलिसी के दायरे में आइए,
आप उसके तहत आपको हम लोग निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से सिंगल विंडो सिस्टम का लाभ दे रहे हैं। उसके माध्यम से हर एक व्यक्ति लाभान्वित होता गया और उसका परिणाम है कि आज जब चाइना से कोई निवेशक छोड़ता है तो उसके लिए भारत सबसे अच्छा गंतव्य निवेश का दिखाई देता है और उसमें भी उत्तर प्रदेश दिखाई देता है। जैसे कि अभी हाल ही में जर्मन की एक कंपनी ने अपने निवेश के लिए उत्तर प्रदेश का चयन किया है। ऐसे ही अन्य तमाम उद्यम आएंगे, अभी आगे देखते रहिए। कोरोना संकट के साथ साथ नए निवेश के साथ उत्तर प्रदेश पूरी तरह तैयार है और हम लोग यहाँ पे निवेश भी कराएंगे, रोजगार भी सृजित करेंगे और नए नए रोजगार की संभावनाओं के साथ उत्तर प्रदेश की इस मैन पावर को, उत्तर प्रदेश की इस ताकत का एहसास, उत्तर प्रदेश के विकास के माध्यम से, एक नव निर्माण के माध्यम से हम आगे करेंगे। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। हम प्रेस के अपने सभी साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि कल रात 12 बजे के बाद हमारी पूरी टीम, हमारे डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, हमारे सभी सलाहकार और संजीव सिंह साहब ने जुटकर सबको जोड़ा है। इतनी जल्दी इतने सारे लोग जुड़ जाएंगे, ये भी एक रिकॉर्ड है। हम सभी अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद ज्ञापित इस आधार पर करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करेंगे कि आगे भी इस टेक्नोलॉजी का फायदा लेकर हम जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आप इस वक्त देख रहे थे, सुन रहे थे, जिसमें उन तमाम विषयों को लेकर के मौजूदा वक्त में जिस महामारी से देश प्रदेश जूझ रहा है, मौजूदा वक्त में जो प्रयास किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, मौजूदा वक्त में रणनीतिक स्तर पर जो जद्दोजहद चल रही है, जो रणनीति बन रही है, उन रणनीतियों को ज़मीनी स्तर पर उनको उतारने के बाद में उसका असर किस तौर पर देखने को मिल रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले विस्तार से अपनी बातें रखी। R9 टीवी के सवाल का जवाब भी प्रमुखता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। R9 टीवी के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार की और उत्तर प्रदेश की ये प्रतिबद्धता है कि हर स्तर पर कोरोना का चेन हर स्तर पर टूटे। इसके लिए ना हम सिर्फ मेहनत मशक्कत जद्दोजहद कर रहे हैं बल्कि अपनी लगातार रणनीतियों में सुधार भी कर रहे हैं। पिछले 12-15 दिनों में ग्रामीण इलाकों में भी एक तरीके से बेहतरी आने के संकेत भी हमें मिल रहे थे और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि गांव के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में जिस तरीके से संक्रमण का असर अब फैला है उसको किसी तरीके से रोका जाए, बढ़ने नहीं देना है संक्रमण के इस चेन को। ग्रामीण इलाकों में आंकड़े जिस तौर पर बढ़े हैं उस बढ़े हुए आंकड़ों को कंट्रोल में लाने के लिए हम किस तौर पर आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं, इसीलिए हमारी प्रतिबद्धता दिखती है क्योंकि दिन हो रात हो 24 घंटे हम इसको लेकर के जमीनी स्तर पर उतारने की कोशिश करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज की, पहले उन्होंने अपनी बातें आकर के रखी मीडिया के सामने, वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस थे और आपको बताएं कि पहले जनता कर्फ्यू होता है, उसके बाद में 25 मार्च से लॉकडाउन के बाद में अब तक पहली बार उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, वर्चुअल तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें R9 टीवी के सवालों का भी प्रमुखता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि जमीनी स्तर पर इस वक्त उत्तर प्रदेश जिस तौर पर, जिस दिशा में न सिर्फ काम कर रहा है बल्कि हमारी रणनीति जिस तौर पर कारगर साबित हो रही है, उसका असर जिस तौर पर दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं इस वक्त ऐसी हमें हिम्मत दे रही है, वो तमाम चीजें जिससे हम आगे और मजबूती के साथ भी अपनी लड़ाई को लड़ सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब पहला केस देश के उत्तर प्रदेश के अंदर आया था उस वक्त टेस्टिंग की हमारी जो क्षमता थी महज 50 थी, मगर आज इस वक्त में यानी कि आज 31 मई तक में हमने इस स्तर पर टेस्टिंग की कैपेसिटी को बढ़ाया है कि आज हमारी टेस्टिंग क्षमता 10,000 से ज्यादा हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से जानकारी दी कि हमने कोरोना की इस महामारी के बीच में L1, L2, L3 के जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमने बनाए हैं, जिले के स्तर पर जो हमने तैयारियां की हैं, स्वास्थ्य विभाग ने जिस तरीके से सतर्कता बरती है और हमारी सरकार ने जिस तौर पर अस्पताल के अंदर बेड्स, उसमें वेंटिलेटर, उसके अंदर ऑक्सीजन,
आईसीयू लेवल 3 के अस्पताल में, ये तमाम हमारी तैयारियां ऐसी रही हैं जो कि बहुत कम पीरियड में, बहुत कम वक्तों में हमने जनता के हितों की रक्षा, उनकी जिंदगियों, उनके जान की सुरक्षा के लिए सब कुछ जी जान से लगा करके हमने प्रयास किए हैं। और यही वजह है कि आज हम हर स्तर पर बेहतर दिख रहे हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से मौजूदा वक्त में है, और इस वक्त में जो नतीजे उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं वो नतीजे कहीं ना कहीं एक सुखद एहसास दिला रहे हैं। हालांकि ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी, मगर इस लड़ाई के हिसाब से हमारी कोशिशें, हमारी रणनीति बेहतर तरीके से दिख रही हैं। मगर R9 TV के चैनल के इस सवाल पर जब हमने उनसे सवाल किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, उन तमाम चीजों पर जानना चाहा, क्या प्रतिक्रिया रही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, हमारे सहयोगी और लखनऊ से उत्तर प्रदेश के रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो सवाल किया उस पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया क्या रही, जवाब क्या रहा, आइए पहले वो सुन लेते। हरेंद्र चौधरी है R9 से। हरेंद्र जी, आपने सवाल पूछे आप? हालांकि हम सभी ने आपके जो प्रयास है, जो अथक प्रयास है कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, उसको हम सभी ने देखा है। लेकिन तो पिछले 10 दिनों के आंकड़ों की अगर बात करें तो जो नए केस है 200 से ज्यादा उसका औसत जो प्रदेश का आ रहा है, और ग्रामीण इलाकों से अच्छी खासी संख्या है। निगरानी समिति का गठन आपकी तरफ से किया गया जी, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि जो फेस कवर, मास्क के जो नियम आपने बनाए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर दुकानी का प्रावधान किया गया है, कल से हम लोग मन की शुरुआत हो रही है, तो देखिए आपने सही बात कही। पिछले 12-15 दिन से अचानक आंकड़े बढ़े हैं, और ये आंकड़े एक तो टेस्टिंग की क्षमता वृद्धि होने के साथ ही आंकड़े भी उसी प्रकार से वृद्धि हुई है। लेकिन इसको रोकने के लिए हमने लगभग 1,00,000 के आसपास मेडिकल स्क्रीनिंग की टीम भी हमारी लगी हुई है। हर एक जनपद में गांव स्तर पर यह कार्य बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये कार्य जहां बहुत अच्छे ढंग से हमारा आगे बढ़ रहा है, वहीं साथ ही साथ निगरानी समिति भी होम क्वारंटाइन में रखकर, कोई भी प्रवासी 30,00,000 के आसपास प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आया है, इन्हें होम पहले क्वारंटाइन सेंटर ले जाना, क्वारंटाइन सेंटर से फिर इन्हें स्क्रीनिंग करके इन्हें होम क्वारंटाइन तक पहुँचाने की कार्रवाई करना, होम क्वारंटाइन के बाद फिर इन्हें सफलतापूर्वक वहाँ पे एक एक व्यक्ति की मेडिकल स्क्रीनिंग करना, उन्हें वहाँ पर राशन किट उपलब्ध कराना, फिर राशन की उपलब्धता, फिर उन्हें भरण पोषण की भत्ता उपलब्ध कराने की कार्रवाई करना, ये सभी कार्य एक साथ चल रहे हैं। लेकिन इसमें सावधानी आवश्यक है हर एक स्तर पर, कहीं भी हमें कोरोना की चेन को बढ़ने नहीं देना है, हर एक स्तर पर उसको तोड़ना है, और इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसीलिए हमने टेस्टिंग की क्षमता को भी बढ़ाया है, मेडिकल टीम को भी सक्रिय किया है, और बहुत अच्छे ढंग से इस सारी व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण हम 23 करोड़ लोगों को एक सुरक्षित माहौल देने में और स्वस्थ माहौल देने में अब तक काफ़ी हद तक सफल हैं, और आगे भी हम सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।